नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। ट्रोलर्स के निशाने पर फिर आई न्यासा। शॉर्ट टॉप में अजय देवगन संग मंदिर पहुंची। जी हां, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपनी अगली फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को लेकर खासा चर्चाओं में हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सोशल मीडिया पर इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाल ही में अजय अपनी बेटी के साथ मंदिर दर्शन करने पहुंचे। इस मौके की कई तस्वीरें सामने आई है, लेकिन तस्वीरें देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से न्यासा को ट्रोल किया जा रहा है। अजय देवगन अपनी बेटी न्यासा के साथ मंदिर में पहुंचे हैं। यहां उन्होंने अपनी बेटी के साथ पूजा की, लेकिन इंस्टाग्राम यूजर्स को ये बात पसंद नहीं आई। दरअसल यूजर्स ने इस दौरान न्यासा की ड्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। एक यूजर ने लिखा, इन बच्चों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि मंदिर में प्रवेश कैसे करते हैं, ये सच में काफी चौंकाने वाला है। एक यूजर ने तो न्यासा से सवाल किया कि वो मंदिर जा रही है या इन कपड़ों को पहनकर जिम। इसके अलावा कई लोगों ने और भी कमेंट्स किए। कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने न्यासा की ड्रेस का बचाव भी किया। कई यूजर्स ने लिखा, मंदिर जाने का कोई ड्रेस कोड नहीं होता, इसीलिए इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार ट्रोल हो चुकी हैं न्यासा। हाल ही में न्यासा अपनी मॉम काजोल के साथ नजर आई थी और वहाँ पर कुछ इस तरह से अपना चेहरा छुपाते नजर आईं। आप देखिए न्यासा का ये वीडियो। बात करें अजय देवगन की, तो अपनी फिल्म तानाजी को लेकर काफी सुर्खियों में है। ये अजय की 7वीं फिल्म है और इसके ट्रेलर लॉन्च पर काफी खुश नजर आया अजय देवगन। आपको दिखाते हैं तानाजी द अनसंग वॉरियर का शानदार ट्रेलर लॉन्च। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।